हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपास पैशन वर्ल्ड। दोस्तों, हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा चेहरा गोरा हो, निखरा हुआ हो, चेहरे में दाग धब्बे, कालापन या फिर टैन ना हो, किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाए हमारे स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो रहे, पार्लर जैसे फेशियल करने के बाद स्किन में जैसा ग्लो आता है वैसा ही ग्लो आपकी स्किन में रहे। तो इसके लिए मैं आप सबके साथ एक बहुत ही आसान रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि इंस्टेंट आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करेगा, पार्लर फेशियल जैसा, ब्लीच जैसा निखार आपके स्किन में लेके आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फेयर एंड लवली क्रीम। दोस्तों, फेयर एंड लवली क्रीम हम सभी काफी सालों से इस्तेमाल करते आए हैं, बहुत ही पॉपुलर क्रीम है। ये आपकी स्किन से दाग धब्बे को दूर करती है, स्किन में इंस्टेंट ब्राइटनेस लेके आती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक चम्मच करीब फेयर एंड लवली ले लिया है। अब इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि नेक्स्ट हम जो चीज इसमें ऐड करें वो आसानी से मिक्स हो सके। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटा हुआ लेमन। लेमन में भरपूर विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन से टैनिंग को, दाग धब्बे को दूर करती है, जमी हुई मैल को ये काटता है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आता है। तो अच्छी तरह से इस लेमन की जो जूस है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपको ध्यान रखना है एक चम्मच फेयर एंड लवली में आपको आधा लेमन जूस यानी कि करीबन एक चम्मच लेमन जूस यहाँ पर ऐड करना है। तो अच्छी तरह से अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। अब जब भी फेयर एंड लवली के अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे तब आप देखेंगे कि जो लेमन जूस है वो थोड़ा जो फेयर एंड लवली है वो थोड़ा फट जाएगा। जैसे कि दूध में हम लेमन जूस को ऐड करते हैं और जैसे पनीर की तरह फट जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही फट जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम जब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर से ये स्मूथ सा, क्रीमी सा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक क्लिनिक प्लस की शैम्पू। मैं यहाँ पर शैम्पू ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो फेस वॉश भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शैम्पू क्या करता है, हमारे स्किन में जितनी भी गंदगी है, जैसे कि हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे चेहरे पर कभी कभी आ जाता है, तो उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शैम्पू हमारे स्किन से गंदगी को निकालती है, पोर्स के अंदर जो गंदगी है उसे निकालती है, डेड स्किन सेल की जो लेयर है उसे निकालती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। तो मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है। जिन्हें लेमन सूट नहीं करता है वो लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का एक बहुत ही खास तरीका है। पहले आपको क्या करना है, आपकी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेना है, स्किन को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट ऑयल को आपको अपनी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करना है। यहाँ पर कोकोनट ऑयल एक मसाजर का भी काम करेगा और आपकी स्किन को अच्छी तरह से क्लींस भी करेगा। कोकोनट ऑयल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है, आपकी स्किन से एजिंग साइन को रिमूव करती है, स्किन को शाइनी बनाती है, स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार लेके आती है। आपकी स्किन में अगर एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गई है तो उसे भी कम करने में मदद करती है। तो मैंने मेरे स्किन में अच्छी तरह से कोकोनट ऑयल से कम 5 मिनट तक मसाज किया है, क्योंकि मसाज करने से स्किन में बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसकी वजह से स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो उसके बाद क्या करना है, जो एक्सेस ऑयल है मैं गीले टॉवल की मदद से क्लीन कर रही हूँ। इसके साथ साथ मेरे स्किन के ऊपर जो गंदगी, जो मैल थी वो भी क्लीन हो जाएगी और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो भी आ जाएगी। अब क्या करना है, जो फेस पैक हमने बना के रखा था उसे हम अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं फेस को क्लीन करने के बाद कितना ग्लो कर रहा है। ये नेचुरली आपकी स्किन में ग्लो ऐड करेगी। अब क्या करना है, आपकी स्किन में जितनी भी टैनिंग है या फिर दाग धब्बे है या फिर पोर्स के अंदर गंदगी है उसे रिमूव करने के लिए इस फेस पैक को आपकी स्किन में अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं दोस्तों, आपके पास पार्लर जाके फेशियल करने के टाइम नहीं है, ब्लीच नहीं है घर में, आप चाहते हैं इंस्टेंट स्किन में ब्राइटनेस आ जाए, इंस्टेंट स्किन निखर जाए, तब बस आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इंस्टेंट आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेगा, कालापन को रिमूव करेगा और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा, 1-2 शेड ब्राइट कर देगा ये आपकी स्किन को। मैं अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसे अपने हाथों पैरों में या फिर बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी गर्दन पे कालापन आ जाता है, एल्बो में, नी पे, घुटनों पे जहां पर मैल की एक डार्क पैच पड़ जाती है, डेड स्किन सेल की लेयर जम जाती है जो कि आसान से नहीं रिमूव होती है, तो उस जगह पर भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन से जो पुरानी गंदगी है, मैल है, उसे रिमूव करेगी, डार्क स्पॉट को भी कम करने में मदद करेगी और स्किन
को डीपली क्लीन करेगी। पोर्स के अंदर जो मैल जमा हुआ होता है ना, जिसकी वजह से पोर्स लॉग हो जाता है, एक्ने ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाती है, तो पोर्स को भी ये डीपली क्लीन करता है और स्किन को अच्छी तरह से ये एकदम अंदर से क्लियर भी कर देती है। तो अच्छी तरह से मैंने मेरे फेस में इसे अप्लाई कर लिया है। अब 5 मिनट तक इसे मैं अपने फेस में रहने दूंगी। अगर आप अपने बॉडी पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 मिनट की जगह आप 10 से 15 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब 5 मिनट के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथों से थोड़ा सा इसे रब करके इस तरह से स्क्रब कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल की लेयर है, टैनिंग है, वो रिमूव हो जाएगी, पोर्स डीपली क्लीन हो जाएगी और आपकी स्किन में ना बहुत ही अच्छा निखार आएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। तो इस तरह से जस्ट ओनली 2 मिनट इस तरह से आपको अपनी स्किन को रब करना है। उसके बाद एक गीले टॉवल की मदद से मैं अपने फेस को क्लीन करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन हो गई है, स्किन कितना ग्लो कर रहा है। ये ग्लो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने पहले कोकोनट ऑयल से मसाज किया था, जिसकी वजह से स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है और ये जो फेस मास्क है आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करती है, पोर्स के अंदर जमी हुई मैल, टैन और डार्क पैचेस को भी रिमूव करने में मदद करती है। तो अच्छी तरह से आपको अपने फेस से ये जो मास्क है इसे हटा लेना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो मैंने मेरे फेस को वाटर से क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और ब्राइट हो गया है। इस रेमेडी को रोज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा टैन है, या फिर महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार। नेक्स्ट मैं मेरे फेस में अप्लाई करूँ एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर। आप चाहे तो एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सीरम, नाइट क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को सूट करता है, उससे आप अपनी स्किन को जरूर मॉइस्चराइज कीजिए और ये रेमेडी आप महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ट्राई कर सकते हैं अपनी स्किन को डीटैन करने के लिए, अपनी स्किन को ब्लीच करने के लिए। रोज रोज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। लड़का लड़की टीनेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और रेमेडी को ट्राई करना दोस्तों, ये इंस्टेंट आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, टैन को भी रिमूव करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट।